दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, छठ का पहला अर्ध आज। बिहार के हर जिले में अर्ध देने का अलग है समय, जाने अपने शहर की टाइमिंग। जहाँ देखिए तीसरे दिन रविवार को वर्ती अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्ध देंगे। तो वही देखिए बिहार के सभी जिलों में अर्ध देने के लिए अलग अलग वक्त है। इसी को लेकर मौसम विभाग पटना द्वारा राज्य के सभी जिलों में होने वाले सूर्य अस्त और सूर्योदय की टाइमिंग जारी की गई है। वही देखिए मौसम विभाग के समय सारणी के अनुसार बिहार में 30 अक्टूबर को सूर्यास्त का समय 4:58 से 5:17 तक शाम के बीच होगा। वहीं 31 अक्टूबर को सुबह सूर्योदय का समय सुबह 5:46 से 6:02 तक होगा। वहीं देखिए विभिन्न जिलों में सूर्यास्त की बात करें तो पटना में 5:10 में, गया में 5:11 में, भागलपुर में 5:03 में, पूर्णिया में 5:00, पूर्वी चंपारण में 5:11 में, मुजफ्फरपुर में 5:08 में, वही सारण में 5:11, दरभंगा में 5:06, सुपौल में 5:03, अररिया में 5:00, रोहतास में 5:15, मधुबनी में 5:05 में, पूर्वी चंपारण में 5:10 में, साथ ही देखिए शेखपुरा में 5:08 में, गोपालगंज में 5:12, जमुई में 5:06, बक्सर में 5:15, शिवहर में 5:08, भोजपुर में 5:12, समस्तीपुर में 5:07। इसके अलावा देखिए सीतामढ़ी में 5:07, औरंगाबाद में 5:14, बेगूसराय में 5:06, खगड़िया में 5:05, बांका में 5:04, कटिहार में 5:00, नवादा में 5:09 और भभुआ में 5:17 में सूर्यास्त होने वाला है। बड़ी खबर में देखिए, छठ पूजा में शामिल हो रहे जर्मनी और इटली के मेहमान भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर देखने पहुंचे हैं पर्व। जहाँ देखिए छठ पूजा अब केवल बिहार और पूर्वांचल का पर्व नहीं है, देश के साथ विदेशी भी लोग इसे भक्ति भाव से कर रहे हैं। वहीं कई विदेशी मेहमान भी अब भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर पर्व में शामिल होने खास तौर से बिहार आ गए हैं। आपको बता दें कि गया जिले के बोधगया के बकरोर गांव में छठ पर्व के अवसर पर कुछ विदेशी महिलाएं भी पूजा में शामिल हो रही है। जर्मनी और इटली से 4 विदेशी मेहमान पूजा के करना में शामिल हुए। वही पूजा में एक दूसरे की मदद भी कर रही है। लोक आस्था के पर्व का आज तीसरे दिन है। बाड़ी खबर में देखिए, छठ पर मौसम रहेगा सामान्य, सुबह शाम रहेगी गुलाबी ठंड। यह देखिए छठ पूजा पर मौसम खुशनुमा रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सुबह और शाम में छठ घाटों पर गुलाबी ठंड का एहसास लोगों को होगा। वहीं सुबह के बाद आसमान पूर्ण रूप से साफ रहने के साथ ही दोपहर के बाद धूप में लोगों को गर्मी का एहसास होगा। वहीं देखिए मौसम विज्ञानी के माने तो प्रदेश में उत्तर पछुआ हवा के कारण मौसम अगले 5 दिनों तक सामान्य बना रहेगा। वहीं देखिए रात के तापमान में सामान्य से 1 या 2 डिग्री की गिरावट के आसार है। बाड़ी खबर में देखिए, राज्य के बेगूसराय में प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ा। मोतिहारी और पटना में हवा खराब, जाने बिहार के जिलों का हाल। जी देखिए बिहार का मौसम तेजी से बदल रहा है जिसका असर वातावरण पर भी पड़ रहा है। राज्य के कई जिलों की वायु की गुणवत्ता लगातार गिरती ही जा रही है। कई शहरों में हवा का स्तर काफी खतरनाक हो गया है। छठ महापर्व शुरू हो गया है, ऐसे में वायु प्रदूषण के खराब हालत ने चिंता बढ़ा दी है। शनिवार 29 अक्टूबर के शाम 6:00 के वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक बेगूसराय सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। वहीं देखिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक शनिवार शाम 6:00 बेगूसराय के आनंदपुर में सर्वाधिक 375 AQI दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब स्थिति में है। वहीं देखिए इसके बाद मोतिहारी के गंडक कॉलोनी में 336 और राजधानी पटना के समनपुरा में 322 AQI है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के गांवों में छठ के बाद लगेगी सोलर स्ट्रीट लाइटें। जहाँ देखिए छठ पूजा के बाद गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगनी शुरू हो जाएगी। किस एजेंसी को कौन से प्रखंड में स्ट्रीट लाइट लगानी है इसका निर्धारण जिलों की ओर से कर दिया गया है। वही देखिए प्रखंड आवंटन के बाद अब जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि संबंधित एजेंसी से एकरनामा करके प्रक्रिया तेज करे ताकि स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू हो सके। वही देखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत संबंधित एजेंसी और जिला के पंचायत राज पदाधिकारी के बीच एकरनामा होना है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि सभी प्रखंडों में लाइट लगाने के लिए एजेंसी तय हो गई है। साथ ही देखिए आपको बता दें कि 10-10 लाइट प्रत्येक वार्ड में लगाई जाएगी। वहीं 2 वर्षों में सभी वार्डों में लाइट लगाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। वहीं देखिए 5 वर्षों तक रखरखाव का जिम्मा एजेंसी को दिया गया है।
में देखिए CTET परीक्षा दिसंबर में संभव 31 से ऑनलाइन आवेदन शुरू। परीक्षा 20 भाषाओं में 24 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जी देखिए CBSE की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2022 के लिए अभ्यर्थी 31 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर तक किया गया, वहीं फीस का भुगतान 25 नवंबर तक किया जा सकता है। वहीं देखिए परीक्षा की तिथि व सेंटर की जानकारी स्टूडेंट के एडमिट कार्ड में अंकित रहेगी। परीक्षा 20 भाषाओं में होगी। CTET के पेपर 1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए होने वाले शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे, जबकि पेपर 2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होने वाले शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं स्टूडेंट अधिक जानकारी CTET.NIC.IN पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। बाड़ी खबर में देखिए बिहार के विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम बदलेगा। यह देखिए बाड़ी खबर है, अगले सत्र से बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर CBCS लागू कर दिया जाएगा। वहीं देखिए इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ BRA बिहार विश्वविद्यालय सहित सूबे के सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस बदल दिया जाएगा। वहीं देखिए राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमार ने बताया कि सूबे के विश्वविद्यालयों में नए सत्र में CBCS के तहत पढ़ाई कराई जाएगी, इसके लिए सिलेबस में भी बदलाव किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि सिलेबस बदलने की जिम्मेदारी राजभवन की है, इसके लिए अनुरोध पत्र राजभवन को भेज दिया गया है। राजभवन अब कुलपतियों की कमेटी बनाकर सिलेबस बदलने का काम पूरा करेगा। वहीं देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, नया सिलेबस नेट UPSC और BPSC की परीक्षाओं को देखते हुए बनाया जाएगा। बाड़ी खबर में देखिए गोपालगंज में बोले तेजस्वी यादव, बिहार में रोजगार पर जल्द कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। जी देखिए बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में कुछ महीने पुराने महागठबंधन सरकार ने बहुत से पदों को भर चुकी है, अब जल्द बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। वहीं देखिए तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में विधानसभा चुनाव के दौरान RJD प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के समर्थन में आयोजित रैली में यह घोषणा की है। वहीं देखिए गोपालगंज और मोकामा सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को गोपालगंज में कहा कि बिहार में जल्द नई नौकरियां पैदा होगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ज्यादा पुरानी नहीं है, मगर इस छोटी से अवधि में हमने हजारों रिक्तियां भरी है। तेजस्वी ने लोगों से कहा कि अब रोजगार पर बड़े ऐलान के लिए खुद को तैयार कर ले। नीतीश कुमार ने 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, ये पिछले चुनाव में मेरे वादे से दुगना है, महागठबंधन सरकार इसे पूरा करेगी। में देखिए बिहार में दिसंबर में आएगी हाई स्कूल की भर्ती, शिक्षक भर्ती नियमावली को नवंबर में ही मिलेगी मंजूरी। जी देखिए 7वें चरण में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए नियमावली को नवंबर में कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की सहमति इस माह के अंत या नवंबर के प्रथम सप्ताह में मिल जाएगी। वहीं देखिए प्रारंभिक स्कूलों के पहले हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी। माना जा रहा है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह तक कॉमर्स विषय के लिए एस्टेट के लिए BSB से आवेदन लेने की शुरुआत होगी। वहीं देखिए दिसंबर तक कॉमर्स के एस्टेट रिजल्ट जारी होने की बात कही जा रही है। उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 89,734 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 44,193 पदों पर बहाली होनी है। देखिए 1 नवंबर से शुरू होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर्यटन सत्र। बारिश और आदमकोर बाघ के कारण सत्र शुरू होने में 15 दिन की हुई देरी। जहाँ देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी आगामी 1 नवंबर से शुरू होगा, इसके साथ ही पर्यटन सत्र भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए BTR प्रशासन तैयारी शुरू कर दिया है। वहीं देखिए सफारी के लिए रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है, पर्यटक जंगल सफारी ई रिक्शा साइकिल पाथवे समेत इको टूरिज्म का लाभ उठा सकेंगे, इसके लिए BTR प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस बार बारिश के साथ आदमकोर बाघ ने पर्यटन क्षेत्र दरी करने में भूमिका निभाई। 28 दिनों तक वन विभाग व BTR प्रशासन बाघ के रेस्क्यू में लगा रहा, इस कारण भी जंगल सफारी वाले रास्ते को दुरुस्त नहीं किया जा सका। बाड़ी घर में देखिए बिहार के सरकारी स्कूलों में 7 नवंबर का दिन होगा बेहद खास, छात्रों और पेरेंट्स के लिए होगा अहम। जी देखिए बाड़ी खबर है, बिहार के सरकारी विद्यालयों में भी रिजल्ट डे होगा। निजी स्कूलों की तरह प्रदेश भर के सरकारी विद्यालयों में अपने बेटे बेटी के साथ पढ़ने वाले गरीब तथा मध्य वर्ग के माँ बाप भी अपने बच्चों की अंगुल पकड़ कर स्कूल जाएंगे। वही साथ ही विद्यालय के शिक्षक से अपने बच्चे की शैक्षणिक प्रगति जानेंगे और स्कूल में उनके बच्चे का प्रदर्शन व व्यवहार कैसा रहता है इसकी भी जानकारी पाएंगे। आपको बता दें कि यह पहल शिक्षा विभाग ने की है। बिहार के तकरीबन 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 7 नवंबर को रिजल्ट डे मनाया जाएगा। हालांकि देखिए शिक्षा विभाग की ओर से इसे अभिभावक शिक्षक बैठक संबोधित किया गया है। 7 नवंबर को सोमवार का दिन है और इस दिन राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों की कक्षा 3 से 8 तक के पढ़ने वाले बच्चे अपने अपने अभिभावक के साथ स्कूल आएंगे और हाल ही में हुए अर्धवार्षिक मूल्यांकन का प्रगति पत्र प्राप्त करेंगे।
कार्यक्रम में देखिए बिहार सरकार की इस योजना के तहत मिलेगा राशन समान और हर महीने 1,000 रुपया। जहाँ देखिये बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की मदद के लिए विशेष योजना चला रही है। योजना के तहत अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में रहने वाले बच्चों को सरकार हर महीने राशन समान और 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है। वहीं देखिए बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य सूबे के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। 9वीं से 12वीं तक के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र और छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का क्रियान्वयन अल्पसंख्यक विभाग और बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट संयुक्त रूप से कर रहा है। वहीं देखिए बिहार सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक विभाग की वेबसाइट या समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है और रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। खबर में देखिए बिहार में बीपीएससी 68वीं की जनवरी में और 69वीं की वैकेंसी मई में निकालेगी। यह देखिए बड़ी खबर है, अगले साल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 2 वैकेंसी निकालेगी। 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विभिन्न विभागों में अब तक 222 रिक्तियां मिली है। वही देखिये दिसंबर 2022 तक सभी विभागों से रिक्त आने के बाद जनवरी 2023 में वैकेंसी निकालेगी। वही 69वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वैकेंसी मई 2023 में निकलने की संभावना है। आपको बता दें कि पिछले माह सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर आरक्षण रोस्टर के आधार पर जल्द रिक्त देने के लिए कहा था। वहीं देखिए माना जा रहा है कि नवंबर तक अधिकांश विभागों की रिक्तियां सामान्य प्रशासन को मिल जाएगी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग बीपीएससी को रिक्तियां भेज देगा। आकलन है कि 68वीं बीपीएससी में 700 से अधिक रिक्तियां होगी। कर में देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास के लिए 1671 पदों की भर्ती, जाने आवेदन व चयन समेत खास बातें। जी हां देखिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपने सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के 1671 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन आप 5 नवम्बर से कर सकते हैं। रिक्त पदों में सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के 15 से 21 और MTS के 150 पद है। वही देखिये इच्छुक उम्मीदवार 25 नवम्बर 2022 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट MHA.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वह देखिए योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। वह देखिए आयु सीमा की बात करें तो 18 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। वहीं ST व SC वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। बाड़ीघर में देखिए SSC GT कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी, 24,000 से ज्यादा पदों पर निकली है भर्ती। जब देखिए कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों SSF और असम राइफल में राइफल मैन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन में सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वही बता दें कि जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वही देखिए इच्छुक उम्मीदवार 30 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। वही देखिए आपको बता दें कि SSC ने कुल 24,369 पदों पर भर्ती निकाली है, जिस पर महिला व पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।